गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, एक्सरसाइज 17B एंड पेज नंबर है आपका 809 एंड बुक है RS अग्रवाल। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 16 तक आपके हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, द डायमीटर इज स्फीयर इज 42 इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इन टू अ सिलेंड्रिकल वायर इज 2.8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। तो 17 आपको अपने आप करना है। ओके, सेम वे हमने करा चुका है आपको, हम आपको करा रहे हैं अब 19। रीड द स्टेट 19 के कह रहे हैं, अ हेमिस्फेरिकल बॉल, ये भी सेम वैसे ही है बट फिर भी एक बार कर लीजिए 19। रीड फर्स्ट इज फॉर हेमिस्फेरिकल बॉल, फॉर हेमी स्फेरिकल बॉल एंड अनदर साइड इज इट्स फुल ऑफ वाटर, इट्स कंटेन्स इम्प्लीट एंड इन टू अ सिलेंड्रिकल वेसल। फॉर ऐसे लिखने से बहुत ईजी रहता है कि हमें फॉर्मूले लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और रेडियस देखने में। हेमी स्फेरिकल बॉल है, रेडियस राइट कर रहे हैं इसकी कैपिटल आर इस 9 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस के बने स्मॉल आर रीड द स्टेट इस 6 सेंटीमीटर एंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल। लेट हाइट ऑफ वाटर इन वेसल बी एच, इतनी बात समझ आ गई। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ये फुल ऑफ वाटर है, इसको इम्प्लीट किया गया है सिलेंड्रिकल वेसल में, तो ये सिलेंड्रिकल वेसल है, इसमें इम्प्लीट कर दिया गया किससे, हेमिस्फेरिकल बाउल के वाटर को। तो टू कंडीशन बनती है, तो या तो फुल जाएगा बट वो फुल नहीं कह रहा है, उसका कह रहा है देन हाइट ऑफ वाटर बताइए कितना है वो। ओके यस और नो, तो इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू जाएगा इसके वॉल्यूम के इक्वल, सिलेंडर के वॉल्यूम को नहीं, वाटर जितना है उसके वॉल्यूम के इक्वल। ओके तो देख लेते हैं क्या इसमें पहले से वाटर था सिलेंडर में। इट्स फुल ऑफ वाटर, इट्स कंटेन्स द इम्प्लीटेड इन टू अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल। कितना वाटर की हाइट हो गई है सिलेंड्रिकल वेसल में वो फाइंड करना है। तो देख रहे हैं when water impeded from wall into cylindrical vessel, okay, so therefore volume of किसका हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं, वाटर इन जितना वाटर है सिलेंड्रिकल वेसल के। ओके बात में आ गई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पूरा हो जाएगा, तो ये पूरा फिल नहीं हुआ है इसलिए वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल। अब हेमिस्फेयर का फॉर्मूला 4/3 पाई, कौन सा आर लगेगा, यस आर क्यू इक्वल टू है तो वाटर सिलेंडर में ही, तो क्या जाएगा पाई आर स्क्वायर और वेसल की वाटर की हाइट ऑफ वाटर वेसल इज एच। ओके पाई से पाई कैंसिल, 4/3 आर क्यू, 9 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दी, आर स्क्वायर 6 × 6 इंटू एच नाउ। ओके कैंसिल कर रहे हैं 6 जा डायरेक्ट नहीं कर दे हम इसको, 36 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 36, 4 से 4 कैंसिल हो गया आपकी चॉइस है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 9 3 जा 27, यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे सेंटीमीटर, सो हाइट ऑफ वाटर आ गई 27 सेंटीमीटर।
इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 20 हम कराएंगे आपको, आपको नहीं करना है अभी, पहले 21 करा रहे हैं। उसमें 21 में थोड़ा सा कुछ है प्रॉब्लम, इसको चेक करेंगे बाद में बताएंगे। 21 देखिए, द रेन वाटर फ्रॉम द रूफ, आप रेन हुई तो वाटर आपकी कहाँ आ गया, रूफ में आ गया। तो हमें यहाँ कंडीशन दी है फॉर रूफ, एक रूफ है। सेकंड दिया हुआ है, अब रूफ में पानी भरता है तो कहाँ से आता है, पाइप से नीचे आता है, तो वो सिलेंडिकन दिया हुआ है। अ रेन वाटर फ्रॉम रूफ ड्रेन्स इनटू अ सिलेंडिकल टैंक, सिलेंडिकल टैंक के बने, क्या के बने, फॉर सिलेंडिकल टैंक। ओके, अब स्टार्टिंग से रीड करते हैं। जो रूफ है उसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होती है आपके रूफ में, तो एल इंटू बी दिया हुआ है लेंथ, लेट कर दी हमने लेंथ, लेट इज 44/22, 44 मीटर, और ब्रेथ है इस बी इज 20 मीटर। ओके, सिलेंडिकल टैंक है, इसका बेस डायमीटर दिया हुआ है इस 4 मीटर, कितना दिया हुआ है 4 मीटर। तो रेडियस फाइंड कर लेते हैं, इस 4/2 इट मीन्स 2 मीटर। ओके, एंड क्वेश्चन कह रहा है हाइट, हाइट है इसकी, सब कुछ मेंशन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। इज 3.5 मीटर। ओके, इफ द टैंक जस्ट फुल, टैंक फुल हो गया, फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर, हमें रेनफॉल फाइंड करनी है किसमें, सेंटीमीटर में। ओके, नाउ कॉन्सेप्ट समझिए ध्यान से। सपोज ये आपकी रूफ है, ओके, यस ऑर नो, अब रूफ में पूरा पानी तो नहीं भरता, सपोज इतना वाटर फिल हुआ और ये रूफ है पूरी, ठीक है, तो इसकी लेंथ ऑफ ब्रेथ दी है, ये क्या है हाइट ऑफ वाटर। सो लेट कर रहे हैं, लेट हाइट ऑफ वाटर बी एच। ओके, सब मीटर में है तो ये भी मीटर में आ जाएगा, देखिए हम लास्ट में सेंटीमीटर में कह रहा है, सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। अब इस वाटर को इम्पिटेड किया गया किसमें, एक सिलेंडिकल वेसल में, इट मींस क्या हुआ कि जो इसका वॉल्यूम होगा वाटर इन रूफ वो सिलेंडिकल वेसल के वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि ये पूरा फुल हो गया है, अगर हाफ होता तो वाटर इन सिलेंडिकल वेसल होता, यहां पर क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, नाउ व्हेन वाटर इज कलेक्ट फ्रॉम रूफ इनटू टैंक, देयरफोर क्या होगा वॉल्यूम ऑफ किसका, वाटर इन रूफ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडिकल टैंक। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ रूफ क्यूबाइडल है एल बी एच, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडिकल टैंक इज पाई आर स्क्वायर एच।
इतनी बात में आ गई नाउ, क्योंकि इसका वॉल्यूम उसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। अब सब कुछ गिवन है, इज 44, बी इज 20, एच पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर 4 इंटू एच इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, इतनी बात समझ आ गई, यस और नो? तो नाउ कैंसिल कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, जितनी जल्दी आप कर सकते हैं उतनी जल्दी करिए। 7 से कैंसिल, 7 5 जो, यस और नो? 22 से 20 ये कैंसिल कर दिया, यस और नो? 4 से अब की वैल्यू आपसे कैंसिल हो जाती है, 4 5 जो 20। ओके, तो h फाइंड करना है, 2 5 जो 10 इज इक्वल टू 0.5, शिफ्ट कर दिया, h इक्वल टू 0.5/10। दिस इज आंसर इन मीटर, बट क्वेश्चन इज फाइंड इन सेंटीमीटर। सो मीटर कन्वर्ट इन टू सेंटीमीटर, सो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 0 0 कैंसिल, दिस इज मल्टीप्लाई, दिस इज 5.0 सेंटीमीटर, इट मीन्स एच इज 5 सेंटीमीटर। ओके, यस और नो? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम वे, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, तो 22 सेम वे है, थोड़ा सा और समझा दे रहे, उसमें भी वाटर रेन का है, बट लास्ट में कह रहा है कि जो रेन वाटर कलेक्ट किया गया है रूप से वो 4/5 है, इट मीन्स LBH इज इक्वल टू 4/5, ये मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ 22 का, ऑफ सिलेंड्रिकल पाई आर स्क्वायर एच, ये लगाएंगे 4/5 ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल के वॉल्यूम के इक्वल पाई आर स्क्वायर एच, ये कंडीशन आ जाएगी बस। ओके, सेम वे 22 होमवर्क, 23 करेगा, वो भी होमवर्क है, तो अप टू क्वेश्चन नंबर 23 तक करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।